तो ये है सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी है, रोटी है और साथ में हरी मिर्च। कर लेते हैं नाश्ता। ये पहले इसलिए कर रही है ना, इसको जाना है लकड़ी लाने, इसलिए सबसे पहले यही खा रही है। खाने के बाद सीधे जाइए लकड़ी लाने। और हितांशी यहाँ पे, हितांशी हेलो बोल दे। तो मैं आ चुका हूँ बाहर, यहाँ पे खाता हूँ मैं। तो मैं जाती हूँ लकड़ी ना निकले, मिलती हूँ आपको बाद में। पेशाब कर दिया, सब सब आजा। वेरी गुड, कौन पहनेगा इसको? इतान से पहनेगी ना। सुपर बात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10, और जैसा कि आप देख सकते हैं आज का मौसम, आप देखिए बढ़िया मौसम है ये देखिए, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि कोहरा अभी भी लगा हुआ है, बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप आ रही है, लेकिन अगले एक घंटे में, आधे घंटे में शायद क्लियर धूप आ जाएगी, ये बादल हट जाएंगे। तो करते हैं फिर दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ। मत कर, परेशान क्यों कर रही है गोलू को? मत कर बेटा, पानी दे रही है, पानी दे रही है, ये दे रही है पानी गोलू को भी। अभी मुझे थोड़ी देर में जाना है बड़ी मंडी, थोड़ा सामान खत्म है तो सामान लेके आना है। बाय। ओए तांसी रुक रुक, ले भागी भागी तांसी रुक, टाटा तांसी बाय हाँ बाय, मजा इधर से जा रहा हूँ मैं, टाटा। क्या लाना है तेरे लिए? बाय टाटा। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 10:15 हो चुके हैं, जाके आता हूँ मैं बड़ी वाली मंडी, मिलते हैं आगे, तो लेके आता हूँ सामान। बस दुकान में दौड़। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं मेन हाईवे पे। इस हाईवे में ना ज्यादातर पेड़, आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी, मतलब नाम मात्र की धूप आती है यहाँ पे, इसलिए ठंडा बहुत ज्यादा है इस वाली एरिया में। डनी भाई और क्या हाल है? बढ़िया। और जो प्याज है ना, 2 kg उड़ाना है ना? ठीक। समोसा है गर्मा गर्म? चलो एक समोसा वो दे दे फिर, चटनी के साथ। बाग चटनी है ना, एक दे। और नाश्ता वाणी हो गया होगा फिर? नाश्ता वास्ता हो गया होगा? बस नाश्ता हो गया फिर ये। अच्छा दोस्तों ठीक ठाक सब ठीक है यार? एक एक सुबह सुबह का जो गर्म रहता है ना समोसा, मजा ही आ जाता है। तो भाई 2 समोसे पैक कर देना ठीक है, अब फिर वो खाते हुए देखेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों फिर 2 अलग से चाहिए ना? अरे आज अंडे उबल रहे, मतलब ये और सब बढ़िया सब ठेवार हो गए। कसर लो चाहिए लो, ठंडी का मजा लेने आओ बल, इनको सबको उतराने का कोती आने वाला है बल। कितने तारीख से वैसे यार? 14 तारीख से। इस बार तो खतरनाक ही होने वाला है मेला उधर। जाओगे फिर मेले में? हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे यार, कोरोना का भी तो चल रहा है, भी है थोड़ा प्रतिबंध लग सकता है ना। मेरे को भी बताते रहना। ओके ओके, मैं आ चुका हूँ मंडी से। अब थोड़ा सा यहाँ पे बैठने का मेरा मन हो रहा है क्योंकि आपको पता है ये जो जगह है ना एकदम टॉप की जगह है, यहाँ पे बढ़िया धूप आप देख सकते हैं आई है अभी, ये देखिए, क्योंकि रोड में चलते चलते ना ठंड हो जा रही है। अब जो है मैं बैठ चुका हूँ अभी, ये टॉप वाली जगह है हमारे वहाँ की, धार वाली, इसे बोलते हैं धार। यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखता है, आपको मैंने पिछले ब्लॉग्स में दिखा रखा है, वैसे दिखाया है यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना। तो थोड़ा अब मैं एक बार दिखाता हूँ दोबारा से यहाँ से व्यू। पानी की, यहाँ से पानी का पाइप जाने वाला है, पेयजल पंपिंग योजना का खुदाई हो चुकी है, देखिए। चलते हैं फिर सीधे अब घर को, वैसे अच्छी धूप आई थी वहां पे। पैजामा क्यों नहीं लगा रही तू? पैजामा लगा, पैजामा लगा, पहले पैजामा लगा ली जा, चल पैंट ले जा, इसका पैंट ले जाओ। तो पहुंच चुका हूं मैं घर में, सामान रख के आता हूं मैं।
पानी प्यास लगी उसे पानी पी के चलता हूं अंदर से। हालांकि पानी बॉयल है लेकिन जो ठंडा हो रहा है ना मैं बता नहीं सकता हूँ। फ्रिज का पानी तो आपने आप भी पीते हैं लेकिन इतना ठंडा पानी अभी बाप क्या बताएं। हालांकि मूल का पानी हम ले आते हैं ना तो वो गर्म रहता है पानी, जैसे ही एक घंटा होता है ना रखे हुए पानी को उसके बाद जो ठंड होती है ना जो उसका टेम्परेचर घटता है ना क्या बताऊं आपको। तो अभी कौन कौन खाएगा हाथ खड़ा करो भाई, और कौन कौन खाएगा हाथ खड़ा करो, पहले जो हाथ खड़ा करेगा उसको टॉफी मिलेगा। इमान क्यों नहीं खाएगा टॉफी, हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहा फिर ऐसे जैसे इमान नहीं किया है वो। हाँ एक पकड़ो पकड़ो, इसको इसको नहीं मिलेगा, इसने हाथ खड़ा नहीं किया, ऐसे कर पहले ऐसे कर जैसे उन्होंने किया वैसे कर, हाथ खड़ा करो पहले ऐसे करो क्या 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 हाथ खड़ा करो गिन 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 पापा दे देखो हाँ अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी दादाजी के जूते देखो रे, दादाजी के जूते देखो इसके ले 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 दादा मैं दादा भाई दादा तो ये देख सकते हैं क्या है, आप समझ सकते हैं ये है माल्टा, साइज बढ़िया है वैसे मीठा हो रहा होगा। तो ये हो चुके हैं चार पीस, सबसे पहले जो हमारे वीडियोग्राफर हैं फोटोग्राफर जो हमारे हैं उनको देते हैं, ये लीजिए। अब वैसे आप लोग ऑडियंस हुए व्यूअर हुए इसलिए आपका खाना भी बनता है, ये लीजिए टेस्ट कीजिए आप। तो ये लीजिए आप भी लीजिए, कैसा हो रहा टेस्ट बेटा? इतांशी मम्मी बताएगी अब कैसा हो रहा, अच्छा हो रहा है ना? तो बताना अच्छा ही हो रहा है। इतांशी दिखा तो पप्पा को, नहीं देगी पप्पा को भी दी आ कर तो आ। टेस्ट कैसा हो रहा है? तो टाइम अभी जो है 12:30 हो चुके हैं, तो हमारा लंच भी रेडी हो चुका है, खाते हैं खाना। महिला समूह जो है ना, ग्राम संगठन जो है महिला समूह, इनकी मीटिंग होते रहती है टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, शायद कुछ पैसा ऐसा जमा करना होगा ना, चोर ने अटैक कर दिया। तो यह है लंच, पालक की सब्जी है और चावल है, हरी मिर्च है। कौन सी बत्ती कौन खाएगा? खा बेटा, अच्छा बच्चा खा खा खा, ये देख दादी खा रही ना, दादी खा रही, देख जल्दी। तो आ चुकी है चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय, साथ में है नमकीन, पियो चाय पियो। और ब्लॉग इतांशी नोट है और मम्मी देख रही है ब्लॉग, ये कल का ब्लॉग ये ना। तो चीन वाला दिन है ना, चीन वाला हूँ, चीन वाला हूँ, नमकीन का चिंचा। ये वाली नमकीन जो है ना एकदम स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया नमकीन, आप भी टेस्ट करना। ये बेसन की है ना, बेसन, ये बेसन के बना रखे हैं, बहुत स्वादिष्ट हो रहे हैं, एकदम फ्रेश है। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 4 बजने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आज कशेरा ले गया, आज गागर में नहीं ले गया, यह है कशर, कशर बोलते हैं इसे, कशेरा कशर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अभी धारे में, लेके आता हूँ ताज़ा ताज़ा पानी। तो पहुँच चुके हैं हम लोग धारे में, भरते हैं पानी।
जिस गागर में मैं डेली पानी लेके जाता हूँ ना, उससे बड़ा ये है, इसे बोलते हैं कशर। आज मैं इसको इसलिए लाया ना क्योंकि रात में बनाना है मट्ठा, मतलब छाछ बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, उसमें थोड़ा कम आता है ना पानी, इसलिए मैं ये लेके आ गया। हाँ पानी बन जाएगी तू है, तेरा बर्तन कहाँ है फिर? पता नहीं है पक्का? तेरे दादी के पास होगा फिर? नहीं है। आज उठाए जाएंगे ऐसे, जय श्री राम। वैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि आजकल ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स में मैं ठंड का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ कि अभी हवा ठंडी चल रही है, अभी यहाँ पे ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है, इस एरिया में धूप कम आती है इसलिए यहाँ पे ठंडा ज़्यादा है। मैंने अभी देख सकते हैं जैकेट पहना हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। इस टाइप के ब्लॉग्स मैं आजकल वैसे ज़्यादा बना रहा हूँ ना, आप भी शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन यही है फिर कहने के लिए, जिस दिन ब्लॉग में कुछ नया होता है ना मुझे भी मज़ा आता है, आपको भी डेफिनेटली मज़ा आता होगा, लेकिन जिस दिन ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नया नहीं होता है ना तो मैं यही बातें करता हूँ। क्यों रो रही है ये है? किसने मारा इसको? किसने मारा? किसने मारा? दादा के साथ है, इसी पिटाई करूँ? दादा के साथ। ये मम्मी लकड़ी शट कर रही होगी ना, जो जो दिन में हितांशी की मम्मी लाई थी लकड़ी है, और अभी मम्मी शट कर रही है। और ये कौन है अभी, ये कौन है पीछे? आज वैसे मैं काफी दिनों के बाद इस कशर का यूज कर रहा हूँ, इसलिए एक ही कंधे पे मैंने रखा है ना, बदला भी नहीं है कंधा, इसलिए थकान ज्यादा हो गई, मतलब ये वाला कंधा जो है ना राइट वाला अभी थक चुका है, काफी दर्द भी हो रही है। गागर का साइज इससे थोड़ा छोटा है तो उसको कंटिन्यू एक कंधे में भी मैं लाता हूँ ना तो थकान मुझे कमी होती है, मतलब कंधा थकता नहीं ना, आज थक गया मेरा। आज वैसे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है ये देखिए, लेकिन ये टप हमारा है, ये टप भर रखा है तो इस टप से इसमें डालता हूँ पानी, ले जाते हैं फिर। अब पानी पता नहीं कब तक आता है, पानी आता तो थोड़ा पानी की दिक्कत दूर हो जाती है ना, वैसे टप तो भरा है लेकिन आज पानी ख़त्म है, सेंटेक्स भी खाली है ना आज, तो चलते हैं फिर। दो बाल्टी ले डाल। तो अब दोबारा जाना है, पूरा ही टब खाली करके लाते हैं, रात में नहीं तो पाला पड़ जाता है ना, पानी हो जाता है ठंडा। वैसे अच्छा हुआ आज हमने टब भर के रखा है, नहीं तो सुनाव वाली धारे से लेके आना पड़ता हमको। वैसे पीने के लिए तो हम लाते हैं सुनाव से, लेकिन और चीज के लिए भी फिर हमको उस धारे में जाना पड़ता, वहां से फिर दो तीन बार पानी लेके आना पड़ता। अच्छा हुआ सुबह ये भर गया हुआ ना, अभी चलो काम हो जाएगा, चलते हैं फिर। कद्दू की सब्जी है और ये है रोटी, तो खाते हैं फिर। इमरजेंसी लाइट को चार्ज इसलिए नहीं किया ना क्योंकि काफी महीनों के बाद ऐसे जा रही है लाइट, कभी जाती नहीं है, मतलब आज ही ये लाइट है, ऐसे फ्यूज उड़ गया होगा ना आसपास में कहीं, तो कल ही आ पाएगी लाइट। तो ये देखिए खा रहे हैं लोग, और ये खाने लगी तंसी मम्मी, मम्मी डाल रही है दूध। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 8:15 हो चुके हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं आज लाइट है नहीं, ये चार्ज वाली लाइट भी खत्म है, इसमें भी चार्ज खत्म है, हितांशी ने पकड़ा हुआ है। तो खाना हमारा बन चुका है, अभी ये मोमबत्ती जलाई है ना सामने तब जाके लाइट आ रही मुंह पे, तो दिन से गायब है आज लाइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाइए क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।